हम अपनी सुविधाओं के लिए पूरा जहर जलाते हैं। नहीं तो पहले बैलगाड़ी होती थी, हमें बैल को कष्ट ना दें तो कम से कम रोड बन गई। रोड पे नंगे पैर चलते हैं तो कंकर लगते हैं, आराम चलते हैं, पसीना आ जाता है, बढ़िया व्यायाम हो जाता है, खर्चा कम, प्रकृति साथ मौज ही मौज है। इसलिए यही शुद्ध होता है गाय का घी। और गोमय जब जलाते थे, गाय जहाँ रहेगी तो पूरे ब्रह्मांड शुद्ध करेगी, पूरे ब्रह्मांड की माँ है, गाय सृष्टि की प्राण है। अब बोले प्राण जहरीला हो गया तो गाय बचाओ। 70 साल तो देश आजाद हुए हो गए, उससे पहले 1760 में जो गौ माता काटना शुरू किया, अभी तक काट रहे। इसलिए अभी लोग जो है बिना गाय कोई बच नहीं सकते, ये दवा है, क्योंकि पूरा पॉइजन धरती पे हो गया। और पॉइजन खत्म करना है तो गौ माता को बचाना पड़ेगा। जय गौ माता जय गोपाल। मोहन गौशाला में हम पिछले 5 साल से अध्ययन कर रहे कि हर बीमारी का इलाज गौ माता के पास। हमने ऐसे ऐसे रोगियों को ठीक किया जो अपने राजस्थान में, हमारे राजस्थान में सबसे बड़ा एम्स हॉस्पिटल जोधपुर में, उनके पास श्वास रोगी वहाँ पहुँचा तो उन डॉक्टरों ने बोला आप ठीक नहीं हो सकते हो। यहाँ में क्यों नहीं हो सकते हो, कुदरत ने आपको पैदा किया, आपका बीमारी कारण क्या है, क्योंकि आपकी बॉडी में जहर है। और जहर खत्म करने के लिए अमृत है तो गौ माता के पास है, 3 अमृत है, गौ में गौमूत्र और घी। हमने तीनों दिया तो 9 दिन में ही लाभ हो गया। आज यहाँ है नहीं तो हम आपको बात करवा देंगे उसको कितना जल्दी 9 दिन में 15 साल का जहर का रिजल्ट दे दिया। नहीं, गौ माता इतनी तेज, मगर हम उसके साथ इतना गहराई में जाके उसका प्रयोग कर नहीं रहे। और जो है नंदी भगवान और भी ज़्यादा वायुमंडल शक्ति देने वाला, हम नंदी और गाय दोनों के साथ ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि नंदी भगवान जो है सूर्य की पावर देता है, गौ माता धरती की पावर देता है, दोनों मिलके अपना जैसे चंद्रमा बैठा ना ऐसे हमारी बॉडी में चंद्रमा बढ़ जाएगा तो आप एकदम विवेकशील शक्तिशाली हो जाएंगे। लोगों के अंदर चंद्रमा है ही नहीं, धरती है ही नहीं, सूर्य है ही नहीं, फिर कैसे जिएंगे, सब मरे हुए। हमारे बुजुर्ग बोलते थे तेरा माथा खराब है, तेरा सिर खराब है, क्योंकि गाय के पंचगेवा से ये सिर सही रहता है, दिमाग सही रहता, चेतना रहती है। गाय बिना सब लोगों की चेतना भी है। इसलिए इस दुनिया को ज्ञान देना है, दुनिया को बचाना है तो गौ माता हमें बचाएगी, तब हम दुनिया को बचाएंगे। जय गौ माता जय गोपाल। धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। दक्षिणी भारत में वहां विश्वामित्र जी के पास गए थे। विश्वामित्र जी वहां क्यों नहीं आए, क्यों वहां विश्वामित्र जी वन में पर्यावरण में प्रकृति के लिए अध्ययन कर रहे। जिसको सीखना है तो प्रकृति और ज्ञानी में तपस्या करते, वहां आप जाओ। हम क्या करें, गुरु सब चेलों के पीछे भाग रहे, राजा प्रजा के पीछे भाग रहा है और माँ बाप औलाद के पीछे भाग। ऐसा मत करो, ये प्रकृति का नियम नहीं है। आप जो है सही चलो और बस अपने आप जिसको सीखना आइए, ये नियम था। अब तो क्या बस दुनिया को बदल दो। अरे दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, आप खुद बदल जाओ। बस दुनिया बदलने में हमारे ठेकाने है, हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो हम जीवन कैसे जिए, ऋषि मुनि कैसे जीते, कैसे रिसर्च करते थे, प्रकृति का बिल्कुल नुकसान ना करें, ये परंपरा है, मनुष्य सबसे श्रेष्ठ बनानी है। और अब हम क्या करें, हम अब प्रकृति में सबसे ज्यादा दुष्ट है, पूरी प्रकृति खत्म करें, मिटा रहे, जहरीली बना रहे। अपने अलावा कोई प्राणी बीमार नहीं है, कोई प्रकृति नुकसान नहीं कर रहा है। हम भले आदमी कहे कैसे, अपने आप को सोचते ना कि हमने प्रकृति माँ के लिए क्या किया, प्रकृति माँ का जो आवरण है उसको जहरीला बना रहे, बचा नहीं रहे। ऋषि मुनि ने बोला पर्यावरण धरती का माँ का आवरण आप साफ रखो, आप जो है प्रकृति माँ के ज्येष्ठ बेटे हो, श्रेष्ठ बेटे हो, अच्छा करो। मगर अच्छा कर ही नहीं रहे, क्योंकि पिछले 5000 वर्षों से हम अपनी परंपरा को भूल गए। हम जो है भौतिकवाद और जो है अंधी संस्कृति या अंधी भाग दौड़ में दौड़ रहे हैं। वास्तविक संस्कृति शब्द का अर्थ है भारतीय परंपरा, पुरानी परंपरा, सनातन परंपरा हमारे को चलना चाहिए और औरों को चलाना चाहिए। बीमारी का कारण जो है हमें ढूंढना चाहिए। अभी जब डॉक्टर लोग टीका दे रहे या जहर दे रहे, आप बताओ जो बीमारी का कारण उनको पता नहीं है तो निवारण भी नहीं होगा। इसलिए पिछले 5 साल से मैंने ये समझा कि ऐसे वातावरण में रहें, प्रकृति से भी प्राणियों के बीच में रहें, गौ माता का शुद्ध आहार लें, हमारी बॉडी में जहर है वो खत्म हो जाएगा, पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रकृति माँ हमारी पावर है। तो प्रकृति की भी गाय तो माँ है, तो गौ माता प्रकृति माता और वातावरण पूरा शुद्ध रहे, पूरा ब्रह्मांड शुद्ध रहे, पिंड अपने आप शुद्ध हो जाए। इन डॉक्टरों को बीमारी कारण नहीं आ रहा है, अब कारण नहीं तो निवारण नहीं, तो हमारे सिमरन जानते थे ये कारण है, सीधा सपट बता देते थे। तो हम सबको ये आपने क्यों ये कृष्ण जी की ये संदेश दे रहा है कि पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा जो है ब्रह्मांड स्वरूप परमात्मा सभी प्राणियों में और पूरा वातावरण पूरा शक्तिशाली शुद्ध हो, तो ऐसा गौ माता ऐसा पूरे ब्रह्मांड शुद्ध करती है। तो हम इसका ये संकेत दे रहे हैं कि पूरा ब्रह्मांड शुद्ध होगा तो पिंड अपने आप शुद्ध हो जाएगा। ब्रह्मांड जहरीला तो पिंड भी, पिंड मतलब शरीर, शरीर और बाकी सब मतलब ये बस। दूसरी बात, ये 5 रंग है, ये आकाश, ये सूर्य, ये हवा, जल और धरती, ये 5ों की माँ गाय है। पंच गव्यों से 5ों को
पंचभूतों को शुद्ध करती है, इसलिए गाय के बिना तो ये पूरा ब्रह्मांड शुद्ध होगा नहीं। ये बड़ी विज्ञान के साथ हम जीते दुनिया को भी। बाकी आप क्या रखते हैं बाकी तो जो है इसमें ये बस सामान रखने के लिए सामान है। इसमें दवाई बना के साथ में रखता हूँ, लोगों को पिला रहा हूँ, एक दिन भी पी ले, एक दिन में भी जो ठीक हो जाएगी। इतनी गौ माता की दवाई अद्भुत है, सबको लोगों करें। तीनों चीजें हम तीन चीज साथ पिलाते हैं, गौ में गौमूत्र भस्मी, गौ में आपकी धरती है, गौमूत्र सूर्य और भस्मी चंद्रमा। यानी पूरा ब्रह्मांड की बड़ी विज्ञान है, ये हमें समझनी पड़ेगी। अब हम सब भूल गए, ये हमारे प्रहलाद जी भगत आ रहे हैं, बड़े गाय से जुड़े हैं, स्वागत के लिए आ रहे हैं। देखो बड़ी ऋषि संस्कृति में दाढ़ी रख रहे हैं, छापा बांध रहे, धोती पहन रहे, रूप बड़ी अलग लग रहा है, बड़ा परंपरा में अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर। तो ये ऋषि परंपरा में ऐसे जीते थे, अब हम जो है अपनी संस्कृति को भूल गए, छापा बांधते नहीं, धोती पहनते नहीं, पैदल चलते हो आप, लेकिन कभी कुछ चुपता उपता कभी नहीं। किस लिए? बड़ी मजबूत है। अच्छा, भगवान जी सब ऐसा करता है, बहुत आनंद आता है, क्योंकि इससे बहुत पावर मिलती है। आप तो चलते फिरते वैज्ञानिक है, बिल्कुल। अभी हम कह रहे गाय की प्रकृति विज्ञान सुनो समझो, वास्तव में वो विज्ञान थी। आज विज्ञान का जो कह रहे विज्ञान नहीं है, विनाश कर दिया विज्ञान। यानी पूरी प्रकृति के नियम के अनुसार चलना विज्ञान है। आज पूरी दुनिया में विज्ञान खत्म हो गई, वैज्ञानिक लास्ट में कृष्ण जी, उससे पहले सारे वैज्ञानिक थे। राम जी के टाइम तो बिल्कुल प्रकृति साथ न्याय व्यवस्था थी। महाभारत में जो थोड़ा थोड़ा अन्याय हुआ, कृष्ण जी ने प्रयास किया ऐसे मत करो भाई, पूरी प्रकृति साथ न्याय करो, पर्यावरण बचाओ। अब दिल्ली के पास बहुत बड़ा वन था, उन्होंने जला दिया, क्योंकि राजा की ड्यूटी होती सबसे पहले वन को बचाए। वन में ऋषि मुनि साधना करते, वन में कितने पेड़ पौधे, कितने जीव रहते। ये पर्यावरण और प्रकृति बहुत बड़ी विज्ञान थी। राम जी तो बहुत बड़े वैज्ञानिक, उस टाइम न्याय था। महाभारत में अन्याय हो गया तो अन्याय उसके बाद तो धीरे धीरे और ज्यादा। अभी आप देख, मैं एक बात कहता हूँ कि जो विकास आजकल कहते हैं लोग, विकास ही विनाश है, विकास ये मेरा विचार है। बिल्कुल सही है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल विकास नहीं है, विनाश है। विकास उसको बोलते हैं, ऋषि मुनि बोलते एक जो है चींटी का भी नुकसान ना हो, हवा पूरी एकदम शुद्ध शक्तिशाली हो, पानी धरती आकाश पंचभूत शक्तिशाली शुद्ध हो, वो विकास। ऋषि मुनि विकास बोलते थे, वो विकास है। ये विकास के नाम पे सरासर झूठ है, विनाश है। अरे आप कोई चीज बना नहीं सकते, उसको मिटा क्यों रहे? हवा को जहरीली क्यों बना रहे हो? हवा जो है, ऋषि मुनि ने बोला हवा शुद्ध सभी प्राणियों का मेन प्राण है, इसलिए पेड़ पौधे गाय सारे जीव जंतु वातावरण शुद्ध रखना, ये तो विज्ञान थी। अभी विज्ञान नहीं है, ये साइंस है। और हमारे बुजुर्ग बोलते हैं इस बात का कोई साइंस नहीं है, यानी ये अपने आप में इस सत्यानाश है। हम कर रहे तो हमारा होना ही है, हमारे अलावा कोई बीमारी नहीं किसी को भी, किसी को कोरोना नहीं, किसी को शुगर नहीं, किसी को बीपी नहीं। क्यों? क्यों? प्रकृति से जुड़े हुए, हम जुड़े हुए नहीं, जुड़े हुए नहीं तो आप पता ही, प्रकृति तो न्याय व्यवस्था करती है। तो ये प्रहलाद जी भगत आई बहुत ही गाय से जुड़े, इनसे भी बात करी ने एकदम। प्रहलाद जी जोरदार नमस्कार। प्रहलाद जी गाय के बारे में बताइए, आप कुछ आपके विचार गाय के बारे में। गाय तो बहुत अद्भुत चीज है, उनको समझने वाला सही, समझने वाला चाहिए। तो आप भी एकदम साफ हो नवनपुर। गाय ब्रह्मांड और मनुष्य तीनों एक ही है। गाय का बच्चा 9 महीने से पैदा होता है, मनुष्य 9 महीने से पैदा हो रहा है, और ब्रह्मांड में 9 ग्रह है, एक ही चीज है। शरीर के दरवाजे भी 9, गिनती भी 9, गिनती भी 9 से आगे। क्या 9 की अद्भुत विज्ञान। गाय मनुष्य ब्रह्मांड पूरा एक ही है, पर उसको समझने वाला चाहिए। कुछ टाइम पहले किसी अंग्रेजों का राज हुआ, मुगलों का राज हुआ, उस टाइम लोगों को ऐसा समझाया गया गाय एक जानवर है, गाय एक पशु है। अरे गाय जानवर पशु कैसे हो गई? वो अपने को बोलना सिखाया है मनुष्य को, सबसे पहले गाय ने बोलना सिखाया। गाय का बच्चा आज भी बोलता है माँ, तो माँ ये आवाज आ रही है। आज पूरी दुनिया फैशन के तौर पे चली जाए या क्या ही चली जाए, ये जो मम्मी पापा का शब्द है, मैंने तो पूरा एकदम रिसर्च किया, कहीं इस कोई भाषा का ये शब्द मुझे मिला नहीं। अंग्रेजी है, फ्रांसी है, हिंदुस्तान में 16 से अधिक भाषाएं चलती, पर ये कोई भाषा का शब्द नहीं है। बिना भाषा का शब्द लोग बोल रहे हैं, उससे क्या फायदा है मेरे को? इससे बहुत एनर्जी है, बहुत नफरत है मेरे को, बहुत खराब है कि क्यों ये बोल रहे हैं। मनुष्य को बोलना सिखाया गोमाता ने, गोमाता ये कह रही है कि ये तो अपनी माता को भी माता नहीं मान रहे हैं। माता पिता बोल रहे थे बच्चे, वो छोड़ दिया है शब्द, माँ का शब्द छोड़ दिया है, मुझे कैसे जानेंगे वो लोग? जो शब्द मैंने दिया था इस भारत की भूमि को, वो शब्द को लोग भूल गए तो मुझे कैसे जानेंगे? सही बात है। जब भी कोई बीमार होता है उस टाइम से ही पूरा सिस्टम गड़बड़ है। पहले माँ का बोलता है, ये माँ मुझे बचा, क्योंकि माँ एक दिव्य आत्मा, माँ एक शक्ति है। माँ शब्द तो अपने आप कितनी दिव्य है, तो हम वो शब्द है, ये इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा माँ मंत्र है, और इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। कुछ टाइम इसके साथ आके देखो तो खरी। ये तो सब भगत बहुत जुड़े, बहुत 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 बढ़िया आप लोगों ने जानकारी दी। चलते फिरते आज जो है हमें दो वैज्ञानिक मिल गए हैं, जो प्रकृति के बारे में बात करते हैं, गाय के बारे में बात करते हैं। सेवाराम जी और पूरा जीवन समर्पित कर दिया जी, जागरूकता में पूरा ये साइकिल पे घूम के आपने जी सब जगह, मतलब और कोई यही साधन है, दूसरा कुछ नहीं।
ये गूगल का पौधा है। गूगल का पौधा जो आपको दिख रहा है अपने इस एरिया में काफी गूगल का पौधा है ये वाला ना, ये हमने काफी आगे लगा भी रखा है। अच्छा, ये सबसे ज्यादा एंटीवायरस है, ये जहाँ भी खड़ा रहेगा हवा को जहरीली होने से बचाता है, जहरीली हवा को शुद्ध कर देता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में गाय जो है गूगल का प्रवेश शब्द है, ये औषधियों का राजा है। तो उसमें क्या गुण है? औषधियां सबसे जरूरी, इतनी बड़ी औषधि के बराबर गौ माता भी है, तो इस ब्रह्मांड की भी गौ माता इतनी बड़ी है, क्योंकि ये जहां भी रहेगा अपने इस पौधा पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध कर देगा, वायरस को आएगा तो उसको नष्ट कर देगा, क्योंकि इसमें भी गाय के घी की तरह रेडियो एक्टिव किरणें सोने की मात्रा ज्यादा रहती है। इसलिए इसके हमारे बुजुर्ग गूगल और गाय के गवों से हवन करके पूरे ब्रह्मांड शुद्ध करते थे, उसके बाद जो भस्मी बचती थी इसमें सुगंध आती है, 24 घंटा सुगंध ही छोड़ता है, ऐसा अद्भुत पौधा हमारे यहाँ होता था। इसकी रक्षा अभी सूखा है? सूखा नहीं, हाँ। ये क्या कम पानी में, अच्छा बरसात आई पता आ जाएगी, नहीं तो ये अपने आप सुकुड़ जाता है, कम में चला था एकदम, ये समाधि में रहता है। अच्छा अच्छा, क्योंकि रेगिस्तान है ना ये, तो यहाँ इसी तरह से इसमें पत्ता नहीं रहता है, बरसात के टाइम में लीला होता है, बाकी ये सूखे पहाड़ों का पौधा है, पहाड़ में ज्यादा होता है। अच्छा अच्छा, अभी अपने हवन भी करेंगे, बहुत सारा गूंद निकलता है, जय गौ माता जय गोपाल। तो ये एक चलते फिरते विज्ञान की बात हुई, प्रकृति से जुड़े विज्ञान की बात हुई, अभी बहुत सारी बातें यहाँ हमें करनी है, तो आने वाले वीडियोस में वो सारी जानकारियाँ भी आपको तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद, जय गौ माता जय गोपाल। गो विज्ञान केंद्र।